भाजपा कार्यालय है और यहाँ ये उत्साह आप देख सकते हैं, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं का उत्साह। 7 चरणों में चुनाव जो हुआ है और उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसके उत्साह को आप बहुत साफ साफ देख सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनेट ठीक काम कर रहा होगा, क्योंकि इंटरनेट की अपनी दिक्कतें हैं। आइए लिए चलते हैं आपको, ये चलते हैं लोगों में, जहां की आपको मोदी और योगी के नारों के साथ लगातार रही है। होली से पहले होली हो रही है, यहां देखिए भाजपा कार्यकर्ताओं की होली। भाई साहब क्या कहना है आपका? निपट गए अखिलेश, बचा कुछ नहीं है शेष, आज फिर संभालेंगे बाबा उत्तर प्रदेश। क्या बात है, अब तक कितनी बढ़त हो गई है, क्या नवीन? हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आ रही है। जो ये आपको उत्तर प्रदेश में विकास दिखा, गुंडा माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला 10 तारीख के बाद। और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेता होगा, बहुत अच्छा। पूरे भारत मुस्लिम वर्ग भी जुड़ेगा। 2024 के चुनाव में 80 की 80 सीट हम लोग जीतेंगे। इसके लिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं लाइव में आवाज आ रही है कि नहीं। ये देखिए पोस्टर, और साफ साफ ये योगी और मोदी के पोस्टर लिए लोग हाथों में, ये होली जी। भाई साहब बताइए योगी जी के बारे में। कोई महंगाई, कोई बेरोजगारी नहीं है, ना बेरोजगारी है। ये देखिए हर तरफ माहौल को देखिए आप, और बुलडोजर बाबा को सबसे पहले देखिए। बुलडोजर चलेगा 11 तारीख को, वो माफिया पे बुलडोजर चलेगा और उत्तर प्रदेश की जो जनता ने आशीर्वाद दिया है मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बन रही है और 11 तारीख को आप देख लीजिएगा भूमि माफियों पे बुलडोजर चलेगा। मतलब कल से ही चलना शुरू हो जाएगा, अब आप ये नारे बंदी आप देख रहे होंगे, ये बुलडोजर और उसके साथ साथ झंझवार टीम भाजपा कार्यालय लखनऊ पहुंच चुकी है और वहाँ लखनऊ कैंट विधानसभा से हैं। योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया का पालन क्या होता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी प्रचंड बहुमत कभी नहीं है योगी, जितनी बहुमत इस बार उत्तर प्रदेश में आने जा रही है। क्या अपडेट है? जो है बहुत सराहनीय रहा है, और हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, रायपुर से आए हैं बाबा जी को बधाई देने, और 2000 की योगी और मोदी का ही परचम लहराएगा। अच्छा, 2027 में भी और 2024 में भी रास्ते में ही है? देखिए रास्ते में तो है, लेकिन उसका भी रास्ता क्लियर हो चुका है। अच्छा। क्योंकि जिस हिसाब से जो पॉलिटिकल नैरेटिव मोदी जी ने बदला है, द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज वेरी डिफरेंट एंड आई थिंक nobody is born in India right now which is defeat and counter the Modi ji. क्या है वहाँ नया? क्या नया ये है कि जो निचले तबके दल सोच मंच हो रहा है, ये किनारे होते अच्छा ओ चलिए ओ न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।